नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमला किया है और हर एक वो सवाल कर रही हैं, हर एक मुद्दे को लेकर जिस मुद्दे को बीजेपी ने पूरा नहीं किया है वो ऐसा कह रही हैं। सबसे पहला जो अटैक हमला किया है प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर, वो जॉब को लेकर, रोजगार को लेकर। कहा कि जिस जितने लाखों का आपने जो वादा किया था, 70 लाख बोले थे युवाओं को रोजगार देंगे, सिर्फ 4 लाख दिया गया है यूपी में। कहाँ है युवाओं का रोजगार? वो उनका जो है हिसाब किताब कर रही हैं। वो आज मोदी सरकार से पूछ रही हैं कि महंगाई इतना बढ़ा क्यों है, इसका हिसाब कौन देगा। प्रियंका गांधी ये भी पूछ रही हैं कि आज देश में पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं, आखिर इसका हिसाब कौन देगा। आज देश में अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, इसका हिसाब कौन देगा। महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, इसका हिसाब कौन देगा। यूं कहें कि यूपी चुनाव से पहले या यूपी चुनाव के बाद तक प्रियंका गांधी एक ऐसी नेता हैं जो महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम, तमाम चीजों को लेकर लगातार मोदी सरकार पर अटैक करती रही हैं। और आज बड़ा जो अटैक उन्होंने किया है वो जॉब को लेकर, क्योंकि वाकई में युवा परेशान है। वाकई में आज युवा अपने आधी सैलरी पे काम कर रहे हैं। इन्हीं चीजों को देखते हुए प्रियंका गांधी ने जबरदस्त तरीके से हमला बोला और सवाल किया है। देखना यही होगा कि अब प्रियंका गांधी के इस सवाल का जवाब कैसे देती है बीजेपी। क्योंकि जब सवाल पूछा जा रहा था सीएम योगी जी से, तो वो दोनों भाई बहन पे ही जो है उनके रिश्ता को लेकर जो है सवाल खड़े कर दिए कि दोनों का अंदरूनी रिश्ता ठीक नहीं है, अंदरूनी अंतरकलह जो है बढ़ी हुई है। फिर प्रियंका गांधी ने साफ शब्दों में कहा था कि भाई के लिए तो मैं जान भी दे सकती हूँ, फिर तमाम नेताओं के मुंह बंद हो गए। अब देखना होगा कि जॉब को लेकर जो उन्होंने सवाल किया है बीजेपी की तरफ से क्या जवाब आता है, ये एक बड़ा सवाल होगा। अब प्रियंका गांधी जो जमीन के मुद्दे उठा रही है, क्या ये भी देखना होगा कि उसको फायदा मिलता है या नहीं। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते हैं एसपी 9 न्यूज़। नमस्कार।